Channel. I hope you all are doing good. Meal prep. जो difficult वाले सब्जियाँ होते हैं मैं वो काट के रख रही हूँ और मुझे ना किचन के काम में chopping cutting बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और जब से नया चाकू आया है राजीव बिल्कुल help नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए कूद कूद के मुझे बाहर लेके भी गया था और दो तीन चाकू खरीद के भी दिया है पर वो बड़े वाले चाकू मुझे डर लगता है यूज़ करने में. ये एक रेड वाला ही सही है. नेक्स्ट क्लिप पे आपको बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुनाई देगा. दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट चाइल्डहुड टीवी सीरियल. राजू को करेला बहुत पसंद है पर उससे ज़्यादा पसंद है एयर फ्राइड वाला जो मैं ऑलिव ऑयल और हल्दी लगा के बनाती हूँ. वो सिर्फ राजू को ही पसंद है. मुझे करेले का ये वाला सब्जी बहुत पसंद है. छोटे छोटे कटे हुए करेला उसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है अनियन, थोड़ा सा हल्दी और नमक. करेला को ढक के ही पकाना है क्योंकि ऑयल बहुत ही कम है. उसके बाद जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा करेला, एक बड़े साइज़ का टमेटो मैंने ऐड कर दिया. बस स्लो कुक करना है एंड इट्स रियली टेस्टी. थैंक यू. और साइड बाय साइड मिल्क प्रेप में तो सिर्फ कद्दू को काट के नहीं करेला भी बना के रख रही हूँ और साथ में जो ग्रीन लीफी वेजीज लाई थी उसका दो बंच वो भी मैं कुक करके रखूंगी. पम्पकिन तो आज कद्दू तो आज कुक नहीं करूंगी, ऐसे टिश्यू लगा के मैं बॉक्स में रखूंगी. साइड में मैं साग को भी कुक करके रख दूंगी. और लास्ट वीक ऐसे एक्सपेरिमेंट से मैंने स्टफ्ड साग का पराठा बनाई थी, घर में सुपर हिट हो गया है. रायन को भी बहुत पसंद आया है. ये साग भी मैं बना रही उसी पर्पस से कि स्टफ्ड पराठा ही बनाऊंगी. हम लोग अर्ली डिनर करते, डिनर के बाद हम लोग ममजार बीच आ गए थे. अभी तक उतनी गर्मी है नहीं, इट वॉज़ क्वाइट ओके. और यहाँ आने के बाद देखे काफ़ी सारी फैमिलीज विद किड्स भी थे. वो मैं हम लोगों ने अवॉइड करके ही लिया है बिकॉज नोबडी बिकम्स दैट मच कंफर्टेबल हियर अगर आप लोग ऐसे शूट कर रहे हो तो. काफ़ी सारे बीचेस में तो फोटोग्राफी कैमरा नॉट अलाउड ही लिखा होता है. राजीव और मैं जब बाहर जाते यूजुअली आई डोंट रिकॉर्ड दैट मच क्योंकि मुझे उस मोमेंट पे जीना होता है. कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करते रहना तो वो मोमेंट कैप्चर तो हो जाता है पर जिस तरह से हम लोग इन्जॉय करते हैं ना वो मिस हो जाता है. दोनों एक साथ करना अभी तक हैबिट हुआ नहीं है. It is. Few books are kept. You can take, read and return. Yeah. Yeah, it's for free. It's open. Okay. And the instructions are written. It's just like take, read and return. Simple. Yeah. ऐसा कुछ huge stock ऐसा कुछ नहीं है. बस simply एक बना हुआ है. दुबई में फ्री चीज़ें बहुत कम मिलती है. एक्सपैट्स के लिए तो फैसिलिटीज़ भी बहुत कमी होती है. एवरीथिंग इज़ हाईली एक्सपेंसिव फॉर द एक्सपैट्स. रात के बाद सीधा मैं आपसे नेक्स्ट डे आफ्टरनून को ही मिल रही हूँ. वीक डेज मतलब बैक टू वीक डे स्केड्यूल. वर वैसे भी बीइंग अ पेरेंट टू अ टीनेजर लाइफ इज टोटली ऑलवेज ऑन अ स्केड्यूल. आप वो रेल लाइन की जो पटरी पे गाड़ी है ना उस पटरी से आप उतर ही नहीं सकते.
डिजास्टर, एवरीथिंग विल बी अ डिजास्टर। ट्रेन को हमेशा पटरी पर रखना बहुत ज़रूरी है ताकि थिंग्स आर ऑलवेज ऑन टाइम एंड ऑन स्केड्यूल। मेरे व्यूअर्स जिनके बच्चे छोटे हैं ना, अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू ऑल, बच्चे अगर छोटे हैं ना, ज़्यादा एग्जाम्स उसका लेके स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेने के लिए है ना 10th और 12th, अभी एंजॉय कर लो, जिंदगी जी लो, क्योंकि जैसे बच्चे 10 और 12th में जाएंगे, बच्चों को तो पता नहीं, एज पेरेंट्स हमारी नींद तो गायब हो ही जाती है। बोर्ड देने वाले बच्चे भी बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टीनेजर्स गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस, और स्कूल से और पेरेंट्स हम ना चाह के भी काफ़ी सारा स्ट्रेस उन पर डाल देते हैं। इसीलिए उनको सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेक देम रियलाइज दैट वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम। फ्रेंड्स बैक फ्रॉम जिम, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, दो रायन का ब्रिज क्लासेस चल रहा है, मतलब सिर्फ ग्रेड 10 और 12 के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, पर रायन का ऑनलाइन ही चल रहा है इस बार। स्कूल ने आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दे सेड ऑल ऑनलाइन क्लासेस फॉर 10 एंड 12। तो इवनिंग स्नैक्स, ऐसे भी वो स्कूल से आने के बाद इवनिंग स्नैक्स ही खाता है, स्केड्यूल मैंने सेम ही रखा है उसका, ताकि ना थोड़ा ना 2 महीने का छुट्टी चलता है, स्केड्यूल के बाहर चल निकल जाएगा ना, तो जब स्कूल रीओपन होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो भी ग्रेड 10, कांट वेस्ट टाइम, पर वो मौका कोई भी नहीं छोड़ रहा है टाइम वेस्ट करने का। स्नैक्स में मैं उसको बना के दे रही हूँ, उसे बहुत पसंद है एक्चुअली। पम्पकिन का जो वो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, उसका पकौड़ा मैंने उसको अच्छे से वॉश करके चॉप भी कर लिया है, उसका पकौड़ा बनाऊंगी। मम्मी ने उसको खिलाया था, उसको बहुत अच्छा लगा, तो लास्ट वीक भी मैं उसको बना के दी थी, ही जस्ट लव्ड इट। इसको ना बहुत कम है, ये रायन अकेला ही खा जाता है ऑलमोस्ट, तो अब इसको थोड़ा सा अमाउंट में बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा कद्दू को ना धो के अच्छे से ग्रेट करके रख दिया है, मैं इसके साथ मिक्स कर दूंगी ताकि थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा हो और राजीव को भी थोड़ा मिले। प्याज, ग्रीन चिली, सॉल्ट और बेसन। मेरे ससुराल में पता नहीं है ये बनता भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल में मैंने ये कभी बनते हुए देखा ही नहीं है। Back is especially this part not looking good. This part is too much. This part is little less. This part needs to be this. See, I can pull your hair like this. Break things at home. So I can grab while teaching you, no? You can't tell answer. I'll grab your hair like this. Better go trim and come. Not looking good. Hair is looking like a robin's head. The first thing is good. I didn't notice that behind part, no front. I saw that time I told you should trim front little bit more.
Now I notice that back you did cut only. Then half money you should pay. Style. Style. Quickly take bath. Properly, huh? डिनर में बनेगा कद्दू की सब्जी और साथ में सत्तू की रोटी या पराठा, देखती हूँ कुछ बना दूंगी। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सरसों का तेल भी बनेगा। शॉप में लगा रही 5 फोरन और सूखी मिर्च, जिंजर और हरी मिर्च। थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये मिक्स करके ढक के कुक करना है। थोड़ा सा अदरक, ग्रीन चिली और अनियन, उसको फाइनली मैंने चॉप कर लिया है। और अचार का तेल यूज़ करो तो बहुत अच्छा है, पर मेरे पास ना एक बॉटल में थोड़ा सा अचार बचा हुआ था आम का, बस उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी सत्तू के साथ मिक्स करने के लिए। और अचार में तेल बिल्कुल भी लेफ्ट ओवर था नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर से मैं सरसों का तेल ऐड कर दूँगी। सत्तू यहाँ पे कारफोर या लुलू में नहीं मिलता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, आदिल में मिल जाता है, हम वहीं से लेके आते हैं। मैं इसमें अलग से सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम सब्जी के साथ खाने वाले हैं और अचार में भी थोड़ा सा सॉल्ट तो होता ही है। फिर थोड़ा सा नहीं, अचार में तो हाई सॉल्टी होता है, पर हमें ऐसे ही आदत है ना कम सॉल्ट खाने की, तो बस हमारे इसी में हो जाता है। सत्तू रोटी और पराठा के लिए मैं रोटी मेकर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि सत्तू तो ड्राई होता है ना, तो इसका रोटी या पराठा बनाना मतलब हाथ से बेलना बहुत इजी हो जाता है, तो मैं रोल खुद ही कर लेती हूँ। बट अगर गीला वाला स्टफिंग वाला पराठा बना रही हूँ तो मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ क्योंकि वो रोटी मेकर में बहुत इजीली बिना हैसल फ्री बन जाता है और बहुत जल्दी भी बनता है। बोर्ड देने वाला बच्चा खड़े खड़े मेरे साथ किचन में टाइम स्पेंड कर रहा है, ऑब्वियसली गर्मी तो लगेगी। कद्दू एकदम सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा ड्राई सूखा करना है इसको, तो आमचूर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। इसके पहले मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर डाला था तो मैंने फुटेज लेना भूल गई। और हमें ना कद्दू थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट, थोड़ा सा लटपट वाला वो पसंद है। हम लोग तो अर्ली डिनर करते इसीलिए आफ्टर डिनर मैं रान को 2 घंटा लेके बैठती हूँ पढ़ाई के लिए, और इसीलिए मैं मिल रही आपसे नेक्स्ट डे सुबह। डिश वॉशर अनलोड कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आजकल मैं कोशिश करती हूँ जब तक रायन का ऑनलाइन स्कूल चल रहा है मैं घर के कामकाज ख़त्म कर लूँ, ताकि रायन जब खुद से पढ़ाई कर रहा है इफ़ ही नीड्स एनी हेल्प आई एम फ्री एंड अवेलेबल फॉर हिम। एक तो है बोर्ड से दिया गया हुआ प्रोजेक्ट्स, वो तो करना ही है। पता नहीं लास्ट ईयर तक एक सोशल सर्विस वाला प्रोजेक्ट तो देते थे, पर इस साल भी फॉर ग्रेड 10 क्यों उन लोगों ने मार्किंग बेसिस पर रख दिया है, विच इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व 5 to 6 hours। ये तो पूरा स्कूल ने पेरेंट्स को स्ट्रेस देने के लिए दिया है।
डायरेक्शन। मेरा दो तीन जो रेगुलर का था, जैसे कि बेसिक में जो जिम में बेसिकली यूज करती थी, लो बजट बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड एलिगेंट, वो खराब वाला नहीं। जैसे जिमी चू का था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 3-4 बॉटल जो राउंड वाला, वो खत्म हो गया। एलिसॉप का मैं एक यूज कर रही थी, वो भी मेरा खत्म हो गया है। तो मैंने अभी इस बार लिया है बर्डबेरी का शेयर स्काई। इट्स वेरी माइल्ड, वेरी सॉफ्ट, लास्टिंग इज ओके ओके। मैं अभी दो दिन ही आई थिंक यूज़ किया है, मैं एक और दिन अच्छे से एक और दो दिन यूज़ करूँगी तो पता चलेगा रहता है कि नहीं। जैसे कि ये वाला है जूसी कटोर का, उससे तो थोड़ा शायद एक्सपेंसिव था ये बर्डबेरी, ऑब्वियसली जूसी कटोर से तो एक्सपेंसिव ही होगा बर्डबेरी। ये वाला स्मेल्स बहुत स्वीट, बहुत क्यूट इसके पैकेजिंग है। मैं 3-4 बार खरीद चुकी हूँ मेनली स्वीट और पैकेजिंग के लिए, बट ये लास्टिंग नहीं है। मैंने ये वाला आपके साथ शेयर किया क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने एक वीडियो भी किया था माय फेवरेट परफ्यूम्स के ऊपर, ये इस वक्त कलेक्शन में नहीं था और ये मैं फर्स्ट टाइम ये बर्बरी का शेयर यूज कर रही हूँ। आती हूँ का मेरा ये वाला पोर्शन है, बाकी आगे का 3 दिन हो जाएगा मेरा। यूएई में बहुत इजीली हाउस हेल्प मिल जाता है, पर जब से मैं इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ, मेरी हाउस हेल्प के मामले में किस्मत बहुत खराब जा रही है। हाउस हेल्प को मुश्किल से काम सिखाओ, उसके बाद दे जस्ट स्पॉइल माय होल डे स्केड्यूल, यही बोल के दीदी या भाभी आप तो घर पे ही हो, वो वाली भाभी या दीदी काम पे जा रही तो उनका करके मैं आती हूँ, ऐसा बोल के मेरा पूरा दिन खराब कर देते। उनके इंतजार में मेरा पूरा घर का काम उलट पुलट हो जाता है। क्लीनिंग का काम खत्म और उसके बाद आ जाए मेरी अभी सुबह की चाय पीने की बारी। मैं ऐसे ही आजकल डिले कर रही हूँ ना, पुशिंग इट टू 15 आवर्स ऑफ फास्टिंग, तो इसीलिए सुबह मैंने सारा क्लीनिंग, डस्टिंग, वैक्यूमिंग, मॉपिंग कर लिया है। चाय पीऊंगी, बैठूंगी, उसके बाद ही रान के लिए लंच बनाऊंगी और इसी के साथ वीडियो को भी एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।